अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 में क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है, यानी पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टल ड्रेनेज कैसे करते हैं, और दूसरा हमने वीडियो बनाया है नॉर्मल एक्सरसाइजेस का, जो आप एवरीडे एक्टिविटी में अपनी डेली लिविंग में आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरी बॉडी की, पूरे जॉइंट्स की, उसके बारे में भी हमने अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट को की जानी चाहिए चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए। तो जब आपको कोविड पॉजिटिव हुए हो और उसके बाद आप रिकवर कर रहे हो, तो उसके बाद आपको डेली रूटीन में अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, नॉर्मल जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस अपने डे टू डे एक्टिविटी में, ताकि आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो सके, अच्छी हो सके और आपको थकावट या दिक्कत महसूस ना हो। इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। जैसे जिस दिन से आप हॉस्पिटल पे छूटे हो या फिर आप घर पे होम आइसोलेशन में भी हो, तब आपको रेस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइजेस के लिए हमने इस वीडियो में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात की है। तो पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्या मदद करती है? तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो है, हमारी जो फेफड़े हैं उसको मजबूत करती है, फेफड़ों की मांसपेशियां जो है, जो ब्रीथिंग मसल्स है उसको मजबूत करती है, डायफ्राम, इंटरनल कोस्टल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथनिंग देती है। साथ ही साथ बॉडी की जो मांसपेशियां है, जितनी भी कमर की, नेक की, बैक की, चेस्ट की, उन सब मांसपेशियों को मजबूत करती है। साथ ही साथ जो हमारे छाती में कफ भर गया है, फेफड़ों में कफ भर गया है, स्पूटम भर गया है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है, हमारे एयरवेज को क्लियर करती है, ताकि जो कफ है ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और हमारा जो लंग है, जो हमारा फेफड़े हैं वो अच्छे हो सके। साथ ही साथ ये इम्प्रूव करते हैं हमारे लंग के फंक्शंस को, और हमारे जो एल्वियोला है वो कोलैप्स ना हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, ज्यादा कफ भरने की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, उसको अवॉइड करता है, यानी उसको उसके बनने को रोकता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्या है? तो इन सब के बारे में हमने बात करी। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में पहली एक्सरसाइज है जो कि बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मल इंसान को भी करनी चाहिए, वो है डायफ्रामेटिक और बेली ब्रीथिंग। इसमें क्या करना है, आप सीधा लेट जाएंगे, आप बैठ के भी कर सकते हैं, पर आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ के रख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है और एक हाथ अपने पेट पे रखना है। फिर आपको नाक से अंदर लंबी गहरी सांस खींचनी है और अपने पेट को उठाना है। आपको महसूस करना है कि आपका पेट उठ रहा है जब आप लंबी गहरी सांस अंदर ले रहे हैं नाक से। फिर जब आप मुंह से छोड़ेंगे तो आपका पेट नीचे जाएगा, यानी जब आप मुंह से पर्स्यू लिप्स बना के अपने अपने मुंह से लिप्स को ऐसे बिल्कुल पास में करके अपने मुंह से जब आप हवा निकालेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तब आपका पेट अंदर जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो आपको ये महसूस करना है। तो आपका एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ पेट पे रखेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस खींचेंगे, पेट को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस मुंह से छोड़ेंगे और पेट को अंदर लेके जाएंगे। तो ये मैं आपको 10 बार करनी है। सब एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, 3 से 4 बार करनी है। साथ ही साथ आपको हर एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है, 10 रिपीटेशंस में करनी है, और हर एक बार में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना हर एक्सरसाइज में। दूसरी है पोस्ट लिप ब्रीथिंग। इसमें आप चेयर पे बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, अपनी बॉडी को, नेक को, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। फिर आपको नाक से अंदर सांस लेनी है 2 सेकंड तक, होल्ड करना है, फिर मुंह से छोड़नी है 4 सेकंड के लिए, यानी 2:4 के रेशियो में ये एक्सरसाइज करनी है। तो ब्रीथ इन करनी है नाक से, मतलब नाक से अंदर लंबी गहरी सांस खींचनी है और मुंह से छोड़ना है, पर आपको नाक से अंदर गहरी सांस खींचनी है 2 सेकंड तक, रोकना है, फिर मुंह से छोड़नी है 4 सेकंड तक, यानी 2:4 के रेशियो में आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये भी 10 बार करनी है। फिर है कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग। कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग में आपको एक्सरसाइज के साथ ब्रीथिंग पैटर्न को कोऑर्डिनेशन में बनाना है, यानी कि आपको जैसे कोनी को मोड़ना है, बाइसेप्स को कर्ल करना है, तो क्या करना है, जब आपके बिल्कुल हाथ सीधे रहेंगे तो आपको लंबी गहरी सांस नाक से अंदर खींचनी है, फिर जब आप कोनी को मोड़ेंगे तब आप मुंह से सांस बाहर निकालेंगे, यानी
जब आपका हाथ बिल्कुल सीधा है, जब आपने बाइसेप्स को कर्ल कर नहीं कर रखा है, यानी आपका आप जब हाथ सीधा है तो आप नाक से लंबी गहरी सांस खींचेंगे, फिर आप अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे पर्स्यू लिप्स करके। फिर है ब्रीथ फोकस टेक्निक। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे चेयर पे, उसके बाद आपको ब्रीथिंग पैटर्न को फील करना है आपके। पहले तो आपको नॉर्मल ब्रीथ करनी है, नाक से अंदर सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ऐसे 5 बार करनी है। फिर आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, यानी नाक से अंदर गहरी सांस खींचनी है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक अंदर सांस को, फिर मुंह से छोड़नी है, ऐसे 5 बार करना है। फिर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ साथ आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी करनी है। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो और उसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज को, ब्रीथिंग पैटर्न को आपको फील करना है। फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग में आपको क्या करना है, एक एक अंगूठे से आपको एक नाक को बंद कर लेना है, दूसरे नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है अंदर, फिर जिस नाक को बंद किया है उसको खोलना है और जिस नाक से आपने लंबी गहरी सांस अंदर खींची है उसको उंगलियों के जरिए बंद कर देना है। यानी नाक से, एक नाक से अंदर लंबी सांस खींचनी है, दूसरे नाक से निकालनी है। तो अंगूठे और उंगलियों के मदद से आपको ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, यानी अलोम विलोम जिसे कहते हैं, वो करनी है। दोनों तरफ आप 10-10 बार करेंगे, दिन में 2 से 3 बार। फिर है इक्वल ब्रीथिंग। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे चेयर पे, फिर आपको क्या करना है, इसमें नाक से ही अंदर सांस लेनी है और नाक से ही बाहर निकालनी है। इसमें मुंह को बंद करके रखना है, यानी नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है, होल्ड करना है, फिर नाक से ही एक्सहेलेशन करना है। फिर है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसमें आपको नाक से लंबी सांस खींचनी है, जितनी आप लंबी डीप ब्रीथ कर सकते हैं लंबी खींचनी है, फिर आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड, 10 गिनती तक, 5 गिनती तक, 10 गिनती तक, जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं शुरुआत में। फिर आपको मुंह से छोड़नी है, यानी नाक से अंदर लेनी है सांस और मुंह से छोड़नी है। आप नाक से भी छोड़ सकते हैं इसमें, पर आप नाक से अंदर लेनी है और नाक से भी छोड़ सकते हैं, या फिर नाक से अंदर लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं। पर इसमें क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस नाक से खींचनी है और होल्ड करके रखना है। यानी आप अगर जितना 10 सेकंड 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड करिए, बहुत अच्छा है। फिर रेजोनेंट और कोहरेंट ब्रीथिंग। इसमें आपको काउंटिंग के साथ एक्सरसाइज करनी है, यानी 5 काउंट तक लंबी गहरी सांस खींचनी है, फिर 5 काउंट तक मुंह से बाहर निकालनी है, यानी 5:5 के रेशियो में इसको पैटर्न को फॉलो करना है। फिर है सिताली ब्रीथ। सिताली ब्रीथ में क्या करना है, आपको कंफर्टेबली चेयर में बैठ जाना है, फिर आपको अपने मुंह से लंबी गहरी सांस खींचनी है और नाक से निकालनी है। आप अपनी जीभ को ऊपर, जो आपका माउथ है उस पर भी टच करके रख सकते हैं। तो आपको सिताली ब्रीथ में क्या करना है, मुंह से अपने लंबी गहरी सांस खींचनी है, होल्ड करना है अंदर, फिर नाक से निकालनी है। यानी माउथ से अंदर लेंगे और नाक से एक्सहेलेशन करेंगे, इसमें उल्टा करना है। फिर इंसेंटिव रेस्पिरेटरी स्पायरोमेट्री। तो ये स्पायरोमेट्री बहुत जरूरी है, जिनको सांस में फेफड़ों की दिक्कत है उनको बहुत जरूरी है। तो स्पायरोमीटर आता है बाजार में, वो आप खरीद लीजिएगा। स्पायरोमीटर का माउथ पीस होता है, वो आपको मुंह के अंदर रखना है कंफर्टेबली बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, मुंह से लंबी अंदर गहरी सांस खींचनी है। तो जो बॉल्स होती है उसमें 3 बॉल्स होती है, रेड ग्रीन येलो, या रेड येलो ग्रीन बॉल्स होती है। फिर आपको उन बॉल्स को उठाना है। जितनी आप पूरी 3 बॉल उठा लेंगे, मतलब आपके लंग्स अच्छे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी, आपके ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। तो इसके लिए आपको लंबी गहरी सांस अंदर खींचनी है मुंह से और बॉल्स को उठाना है। आप बॉल्स को उठा के होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, 10-15 बार करेंगे आप हर 2 से 3 घंटे के बाद। फिर आप स्पायरोमीटर को उल्टा कर देंगे, वापस उसके माउथ पीस को मुंह में रखेंगे। फिर अब आपको क्या करना है, जब स्पायरोमीटर उल्टा करेंगे तो आपको अंदर नहीं खींचना, आपको फू करना है, यानी आपको एक्सहेलेशन करना है, मुंह से बाहर निकालना है। जितना आप तेज फू करेंगे, जितना तेज एक्सहेलेशन करेंगे उतनी बॉल्स उठेगी। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। तो स्पायरोमेट्री आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो लेके आना बहुत जरूरी है, और ये आपको हर 2 से 3 घंटे में करना है। अब एक टेक्निक है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक, ACBT। ये टेक्निक बहुत जरूरी है जिनके बहुत ज्यादा स्पूटम कफ भर रखा है छाती में, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये ACBD टेक्निक जो है, ये आपके जो जो आपका छाती में जो कफ स्पूटम भर गया है, जमा हो गया है, चिपक गया है, उसको हिलाता है अपनी जगह से। फिर सेंट्रल एयरवेज, यानी आपके गले के बीच में जो सेंट्रल एयरवेज है वहां तक लेके आता है, फिर आपको मुंह से बाहर निकालता है। तो ये आपके सिक्रीशंस को लूज करता है और इजिली बाहर निकालने में मदद करती है टेक्निक।
तो इसमें क्या करना है, पहली ब्रीथिंग कंट्रोल करना है, मतलब आपको नॉर्मल नाक से अंदर सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ऐसे 5-6 बार करना है, मतलब नॉर्मल रिलैक्स होते हुए नाक से अंदर लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से अंदर लेनी है सांस, मुंह से छोड़ना है, ठीक है, ये आपको 5-6 बार कर लेंगे। फिर आप डीप ब्रीथ करेंगे, मतलब सेम पर आपको डीप लंबी गहरी सांस खींच के होल्ड करके रखना है, यानी नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना अंदर ही, फिर मुंह से छोड़नी, ऐसे 5-6 बार करेंगे आप। फिर हफिंग, मतलब फिर आपको क्या करना है, इसमें दो तरह का, स्मॉल लॉन्ग हफ यानी बिग शॉर्ट हफ। तो इसमें क्या करना है, आप जब आपने ब्रीथिंग कंट्रोल कर लिया, फिर डीप ब्रीथिंग कर ली, उसके बाद आपको हफिंग करना है, यानी इसमें आपको क्या करना है, नाक से लंबी सांस गहरी खींचनी है, लंबी लेनी है, उसके बाद आपको मुंह से हॉ की आवाज निकालते हुए बाहर निकालना है, ठीक है, आपको खांसी नहीं करनी है, आपको हफ निकालते हुए, हफ की आवाज निकालते हुए अपने मुंह से बाहर निकालना है। तो क्या होगा, आपके जो भी सिक्रीशन जमा हो रखे होंगे वो लूज होंगे छाती में, लूज होने के बाद वो सेंट्रल एयरवेज तक आएंगे, सेंट्रल एयरवेज से आपको लगेगा कि आपको कफ आ रहा है और आप बाहर निकालेंगे। तो स्मॉल लॉन्ग हफ में क्या करना है, आपको छोटा हफ करना है पर लंबा करना है, यानी हॉ बहुत तेज का हफ करना है एक बार में ही, और बिग शॉर्ट हफ में यानी लंबा हफ पर टाइम का ड्यूरेशन कम। तो ये हफिंग करनी है आपको, हफ करना है आपको, खफ नहीं करना है आपको, हफ आवाज निकालते हुए, हॉ निकालते हुए आपको बाहर निकालना है कफ। तो ये टेक्निक आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। फिर है कफिंग, कफिंग भी एक तरह की टेक्निक है, जो कि आपके जो सिक्रीशंस जमा हो गए हैं, म्यूकस जो भी बलगम जमा हो गया है, वो लूज हो सके और इजीली बाहर निकल सके, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना आए। तो इसमें आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे, शुरुआत में वही नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, अपने नाक से अंदर मुंह से छोड़ेंगे, फिर डीप ब्रीथ करेंगे, होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड तक अंदर छाती में, फिर मुंह से छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस खींचनी है, फिर आपको इसमें क्या करना है, 2 बार कफ निकलना है, यानी खांसना है आपको, 2 बार 2 बार खांसी करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो लंबी गहरी सांस खींचनी है, और फिर जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हो तो आप नॉर्मल एक्सहेलेशन नहीं करेंगे, आप खांसी करते हुए 2 बार लगातार खांसी करेंगे, उसके बाद आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है, वापस आपको ऐसे खांसी करनी है और बाहर निकालना है अपने कफ को। इसके साथ ही साथ आपको साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते रहना है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक के बारे में। ये पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक भी बहुत जरूरी है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको करते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं आपको आपके हॉस्पिटल में या फिर आपको घर पे आके, कैसे भी। तो ये पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक बहुत जरूरी है उन पेशेंट्स में जिनको बहुत ज्यादा स्पूटम कफ भर रखा है, छाती में बलगम भर रखा है, बहुत ज्यादा लंग्स में कफ भर रखा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए उनका कफ का बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो इन पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक से कफ को इजीली बाहर निकाला जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम पोस्चुरल ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, जो कि चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, हमारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स को देना बहुत जरूरी है, पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस का पार्ट है।